गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। पहले मैं बैकग्राउंड आपका सेट कर देता हूं कि इसके अंदर बैकग्राउंड क्या है। तो पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं कि सर अभी हमने इनकम टैक्स में क्या किया है। हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, वो कोई चैप्टर नहीं था, वो था बेसिक इंट्रोडक्शन। वो क्या था आपका? बेसिक इंट्रोडक्शन था कि अगर आपको इनकम टैक्स पढ़ना है तो आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इतनी बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो इनकम टैक्स ढंग से समझ में नहीं आए। अब मैं मान के चल रहा हूं सारे बच्चों के पास क्या है, बेसिक नॉलेज है, सबको पता है कि क्या है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पैदा कहां हुआ है सबको पता है, इनकम टैक्स का कानून हम क्यों पढ़ रहे हैं वो भी सबको पता है। बात समझ में आ रही है? अब बेटा आपको पता है कि अगर इनकम होगी, अगर आप इनकम अर्न करोगे तो डिपार्टमेंट को या आप कह सकते हो भारत सरकार को आपकी इनकम के ऊपर क्या चाहिए? टैक्स चाहिए, जिसका नाम भी इनकम टैक्स रखा हुआ है। अब हमने कहा कि अगर कोई पर्सन है, आई थिंक यू नो पर्सन, पर्सन इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31। वेरी वेरी गुड। तो आपको पता है जो पर्सन है उसकी सोर्स ऑफ इनकम होगी। तो व्हाट आर द सोर्स ऑफ इनकम? एक पर्सन की क्या सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, उसकी सोर्सेस ऑफ इनकम क्या हो सकती है? तो बेटा उसकी सोर्सेस ऑफ इनकम की बात करें तो 5 सोर्सेस ऑफ इनकम है। एज पर लेजिस्लेचर्स देयर आर 5 सोर्सेस ऑफ इनकम। नंबर 1 सैलरी इनकम। लॉ मेकर कहता है कि आपकी सैलरी की इनकम होगी। आप कहते हो सैलरी की इनकम कब होगी? जब बेटा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होगा। जैसे मैं यहां पे टीचिंग कर रहा हूं, क्या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है? आपको बताना है, नहीं है बेटा। यहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, मुझे यहां पे सैलरी नहीं मिलती है। सैलरी कहां पे आएगी? जहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होगा। मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी कब आएगी। नंबर 2 बेटा हाउस प्रॉपर्टी वो जरिया हो सकता है जिससे लोग इनकम अर्न करें। अब बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर एक हाउस प्रॉपर्टी से कोई कैसे इनकम अर्न करेगा? आप जहां क्लास ले रहे हो ये भी तो एक प्रॉपर्टी है, ये भी तो क्या है, एक प्रॉपर्टी है। नो डाउट इट इज यूज फॉर कॉमर्शियल पर्पस, ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है। पर मुझे बताओ जो इसका मालिक है, मालिक मतलब लैंडलॉर्ड, क्या उसको रेंटल इनकम आ रही है या नहीं आ रही? आपका घर है, आपने अपना घर किराए पे दे दिया, रेंटिंग कर दी आपने, क्या आपको इनकम अर्न हो रही या नहीं हो रही? तो लॉ मेकर ने क्या बोला, कोई भी अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अर्न करेगा, कहां से इनकम अर्न करेगा? हाउस प्रॉपर्टी से। तो वो इनकम कहां पे आएगी? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। और आज हमने ये स्टार्ट करना है। बाकी के 3 मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, बाकी के 3 अगर मैं बात करूं, पीसीपी, ठीक है जी, फुल फॉर्म आपको पता लग गई होगी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। 4th मेरा फेवरेट है सीजी, कैपिटल गेन मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। और 5वां है बेटा आईओएस, कचड़े का डब्बा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब कि जो इनकम कहीं नहीं आएगी वो इसमें डाल दो, कहानी खत्म कर दो, ठीक है जी। अगर वो इनकम 4 हेड में नहीं आ रही आप इसके अंदर डालो। अब एक कसम खाओ कि सर लाइफ में देखो मुझे नहीं पता कि हम कल मिले या ना मिले, ठीक है, कल का कुछ पता नहीं होता, बट कि अगर आप मुझसे टैक्स पढ़ रहे हो तो आप जिंदगी में इतना कुछ सीख लो कि शायद कोई आपके आगे हाथ ही जोड़ ले कि भाई मैं नहीं पढ़ा रहा तुझे, तू रहने ही दे। आप जब भी कोई हेड ऑफ इनकम पढ़ोगे या जब भी आप कोई सा भी टैक्स का कानून पढ़ोगे, टैक्स का कानून, तो बेटा उसके अंदर सब में क्या होता है, टैक्सेबल इवेंट होता है। आपको पता होगा अभी जीएसटी आ गया, तो जीएसटी में भी टैक्सेबल इवेंट है। टैक्सेबल इवेंट मतलब ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला कहेगा मुझे टैक्स चाहिए, तो आपको पता है ऐसा क्या होगा, इनकम। अगर आप इनकम अर्न करोगे तो इनकम टैक्स वाले को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो इनकम जो वर्ड है वो चार्जिंग सेक्शन है हमारे इनकम टैक्स का,
और इनकम टैक्स का जो चार्जिंग सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है? 4 चार्जिंग सेक्शन। वहां पे इनकम बताया है कि कौन सी इनकम होगी तो टैक्स होगा, तो वहां पे कौन सी इनकम बोली होगी? 5 हेड की इनकम। जब ये 5 हेड से आपकी इनकम होगी तो टैक्सेबल होगी। क्या हर हेड के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन होगा या नहीं होगा? यस, बट ऑब्वियस है कि हर सेक्शन के अंदर, हर हेड के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन होगा। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या है कि सर अगर चार्जिंग सेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर चार्जिंग सेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो क्या होगा कि सर जो इनकम होगी वो हमारी टैक्सेबल कर दी जाएगी। जो हमारी इनकम होगी वो क्या कर दी जाएगी? टैक्सेबल कर दी जाएगी। तो सर इसका मतलब कि जब भी हम कोई हेड पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? चार्जिंग सेक्शन होगा। हमने आज कौन सा हेड स्टार्ट करना है? हाउस प्रॉपर्टी। तो बेटा जो हाउस प्रॉपर्टी है इसका भी चार्जिंग सेक्शन, और इसके चार्जिंग सेक्शन का जो नाम है 22। तो 22 क्या है? इसका चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 22 में 3 कंडीशन बता रखी है। सेक्शन 22 में कितनी कंडीशंस बता रखी है? 3 कंडीशन बता रखी है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तीनों की तीनों, तो वो इनकम चार्जेबल होगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अदरवाइज वो इनकम चार्जेबल नहीं होगी हाउस प्रॉपर्टी के। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? चाहे कुछ हो जाए, आप प्रैक्टिस में बैठे हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, अपने चैंबर में बैठे हो, कोई आदमी आपके पास आता है कहता है सर मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, आप नहीं मानोगे। आप ये 3 कंडीशन चेक करोगे, अगर ये तीनों कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल होगी, अदरवाइज वो चार्जेबल नहीं होगी। सर वो 3 कंडीशन क्या है? देखो क्या है 3 कंडीशन, ये बेटा ध्यान से देखोगे आप अपनी स्क्रीन के अंदर चार्जिंग सेक्शन 22 हाउस प्रॉपर्टी, और यहां पे क्लियर कट लिख दिया ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तीनों, 3 में से 1 होगी तो नहीं। फिर नहीं होने वाली। 2 हो गई, 3 हो गई, 2 होगी। ठीक है जी, पहली कंडीशन मुझे बताओ क्या लिखी है बेटा? मन ही मन पढ़ना होता है अंदर। पहली कंडीशन लिखी है प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट बिल्डिंग्स एंड लैंड्स अपर्टेंट देयर टू। बच्चे के यही समझ में नहीं आ रहा कि सर और लैंड में क्या डिफरेंस है। बच्चा कह रहा है सर बिल्डिंग में और लैंड में क्या डिफरेंस है? तो लैंड आपको पता है? बच्चा कह रहा है लैंड क्या है? जमीन का एक टुकड़ा है, खाली लैंड है। और बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग वो चीज है जो लैंड के ऊपर आपने एक स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये हमने बिल्डिंग बना ली, ठीक है जी, ये लैंड थी, ये बिल्डिंग थी, और इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसकी छत भी है, छत भी होनी चाहिए, तो वो हमारी बिल्डिंग है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसने क्या बोला? प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? जिसमें क्या होना चाहिए? बिल्डिंग होनी चाहिए एंड लैंड्स अपर्टेन दियर टू। अपर्टेन दियर टू का मतलब कि लैंड के साथ एक स्ट्रक्चर खड़ा चाहिए जिसकी छत होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसने बेटा यहां पे वर्ड क्या लिखा है? बिल्डिंग लिखा है, यस और नो? अब आज ना बहुत ज्यादा जाम हो रखा था एनएच हाईवे में, बहुत बड़ा जाम। आपने ये कौन सा यहाँ पे, नहीं नहीं राजीव चौक नहीं, यहाँ पे क्या बोलते हैं मॉल, कौन सा है यहाँ पे, एम्बियंस मॉल, तो उस वाले हाईवे से आता हूं मैं, तो पूरा जाम था टोटली। आपको बताना क्या वहां पे बिल्डिंग है या नहीं है? क्या एम्बियंस मॉल एक बिल्डिंग है या नहीं है? सर है। क्या वहां पे जितनी शॉप हैं, मान लेते हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी क्या है, रेंटल है, सारी की सारी रेंट पे। यार हम लोग ना प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, हम लोग ऐसे नहीं कि गधे की तरह बस किताब की हिंदी कर दी और आप घर चले गए, पेपर दे दिया, ऑल ओवर इंडिया रैंक भी आ गया और डिग्री जेब के अंदर रखी है। उसने पूछा भाई बताइए जीएसटी कहां पैदा हुआ था, आपने कहा ये तो बताया नहीं, क्वेश्चन आया नहीं पेपर में, बाहर निकल, बाहर निकल यहीं से।
या आप कभी मुक्कू की कंपनी में आप सिलेक्ट हो, मुकेश अंबानी कभी आप कंपनी में सिलेक्ट हो गए, यू नो फ्रेंड है मेरा, ठीक है जी, तो आप कभी उसकी गाड़ी में बैठे हो, उसने ऐसी पूछ लिया, बता मेरे डिविडेंड का क्या होगा, वो आइदर आइदर व्यू ऑफ कंपनी लॉ और इनकम टैक्स कुछ भी हो सकता है, आप कह रहे हो सर अभी देखता हूं निकालता हूं बियर एक्ट, पिटाई आपकी निकल बाहर नालायक, चलते फिरते आप बियर एक्ट होने चाहिए यार, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी लॉ सारा आपके दिमाग में, ठीक है बात समझ में आ रही है, और ये अभी आप कर सकते हो, क्यों पता है क्यों कर सकते हो आप, आपको ना एग्जाम देना है, ये सबसे बड़ा एक प्रेशर है, एग्जाम देना है तो इसके लिए क्या है पढ़ना है, पढ़ोगे तो आपको ये थोड़ी ना करना है कि बस इनकम टैक्स पढ़ना है, बस कंपनी लॉ पढ़ना है, जितने भी सिलेबस है सारा पढ़ना है, तो सारा ना दिमाग में याद रहता है, आ रही बात समझ में, अभी मैं क्या बोलूं, आप लोग ज्यादा नॉलेजेबल हो हमसे, बस ये कि इनकम टैक्स हमें ज्यादा आता है वो अलग बात है, ठीक है जी, वैसे नॉलेज आपके पास ज्यादा है, पर मेरा यहां पे क्वेश्चन है कि सर यहां पे बिल्डिंग बोला गया है कि बिल्डिंग होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी कहां चली गई, हाउस प्रॉपर्टी वर्ड तो लिखा नहीं, नीचे वाले में हाउस प्रॉपर्टी वर्ड लिखा है, सेकंड कंडीशन द एसएससी मस्ट बी ओनर ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी, पहले एक बार तीनों रफ रीडिंग कर लेते हैं, पहली कंडीशन में बोला है बिल्डिंग होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन में बोला है हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और उस हाउस प्रॉपर्टी के आप ओनर होने चाहिए मतलब मालिक, तीसरे उसमें बोला हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टी होगी ये प्रॉपर्टी जो यूज होगी ये किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, बट यहां पे कट है कि ये प्रॉपर्टी आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे, इफ प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन इट शैल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स, इसका मतलब कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, और हमारे पास जो हाउस प्रॉपर्टी है मान लो उसमें दो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर पे मैं रह रहा हूं रेजिडेंशियल यूज कर रहा हूं ओन अपना खुद, और फर्स्ट फ्लोर में मैंने प्रैक्टिसिंग स्टार्ट कर दी, और ग्राउंड फ्लोर में मान लो मैंने कोचिंग खोल लिया, अब मुझे बताओ क्या मेरी इनकम अर्न हो रही होगी नहीं हो रही होगी, सर आपकी फर्स्ट फ्लोर से भी इनकम आ रही है और ग्राउंड फ्लोर से भी आपकी इनकम आ रही है, पर मुझे बताओ मैंने किसी को रेंट पे दिया है या मैं खुद ही यूज कर रहा हूं उसको, सेल्फ सेल्फ मैं प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं, तो कोई रेंटल इनकम होगी उससे, नहीं होगी, तो जो भी इनकम आएगी वो मेरी इनकम का सोर्स होगा, और फिर वो हम चेक कर लेंगे कि वो इनकम का सोर्स सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी तो है नहीं, पीसीवीपी है, कैपिटल गेन है या आईयूएस है, वो हम लोग चेक कर लेंगे, बात की बात है, मेरे ये कहने का मतलब है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है और आप अपनी प्रॉपर्टी को खुद यूज कर रहे हो अपने बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल वर्ड नहीं लिखा, लॉ में बड़ा ध्यान से देखना होता है, मैंने रेजिडेंशियल भी बोला था, रेजिडेंशियल वर्ड नहीं लिखा, तो अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो उस केस में उस प्रॉपर्टी से जितनी भी इनकम आन होगी वो हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं आने वाली, इतनी बात समझ में आ गई पहले, अब तीनों की तोड़फोड़ करते हैं कि पहली कंडीशन में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, मुझे बताओ हम कौन सा इनकम का हेड पढ़ रहे हैं, कौन सा सोर्स है ये, हाउस प्रॉपर्टी है, तो पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस है, दूसरे में ये बोला है कि हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और आप हाउस प्रॉपर्टी के क्या होने चाहिए, ओनर होने चाहिए, मालिक होने चाहिए, तो पहले में हाउस प्रॉपर्टी आएगी या नहीं आएगी आपको ये बताना है, आपको ये बताना, क्या बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी होती है क्या, हां जी पहले केस के अंदर हाउस प्रॉपर्टी आएगी या नहीं, पहले तो ये बताओ प्लीज, कितने बच्चे कह रहे हैं पहले केस में, पहली कंडीशन में हाउस प्रॉपर्टी आएगी, प्लीज रेज योर हैंड्स, पापी बच्चे शांत रहे, पापी तो अपना हाथ भी ना उठाएं, ठीक है, पापियों से मैं पूछूंगा जब उनकी बारी आएगी तब बताना, उसमें इंक्लूडिंग शैलेश और प्रियंका भी, ठीक है बाकी सब बता सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, जो आपके पास
हाउस प्रॉपर्टी बताई है सेकंड पॉइंट में, आपको ये बताना है फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो बिल्डिंग बता रखी है उसमें हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड है या नहीं, हां कि ना। कितने कह रहे हैं यस कि बिल्डिंग के अंदर हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड है? वेरी वेरी गुड। बिल्डिंग के अंदर क्या इंक्लूड है बेटा? हाउस प्रॉपर्टी। तो मुझे ये बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मेरे जैसे शरारती बच्चे होते हैं कि सर फिर बिल्डिंग में और हाउस प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? टेल मी एनी वन एक्सेप्ट डैश कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जल्दी बताओ मुझे। क्वेश्चन बनता है, वैलिड क्वेश्चन है कि बिल्डिंग और हाउस प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। बच्चा कह रहा है क्या है सर? बच्चा कह रहा है हाउस प्रॉपर्टी वो है जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, यस और नो? और सर बिल्डिंग वो है जो कॉमर्शियल यूज हो रही है। बेटा ये लेमैन है, मैंने पहले ही बोला था बाटर, मैं चार बकरी लेके गया उसने मुझे राइस दे दी, इट इज अ लेमैन, कॉमन पार्लेंस, इट इज कॉल्ड बाटर, इट इज कॉल्ड लेमैन लैंग्वेज की हाउस प्रॉपर्टी है तो रेजिडेंशियल यूज, और अगर बिल्डिंग है तो कॉमर्शियल यूज। क्यों? बिल्डिंग रेजिडेंशियल यूज नहीं हो सकती। अब बच्चा कह रहा हां सर हो सकती है, मैंने देखा सर हमारी सोसाइटी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है सर, हम लोग तो रेजिडेंशियल यूज करते हैं, और सर कई लोग उसी बिल्डिंग में कॉमर्शियल यूज भी कर रहे हैं, मतलब एक ही बिल्डिंग में कॉमर्शियल यूज भी। बच्चे को भी हंसी आ रही, एक ही बिल्डिंग में कॉमर्शियल यूज भी और एक ही बिल्डिंग में रेजिडेंशियल यूज भी, हो सकता है, इट इज पॉसिबल और नॉट? यस इट इज पॉसिबल। तो फिर डिफरेंस क्या है? आपने लेमैन में बोला गलत हो गया, डिफरेंस तो होगा कुछ, और वो डिफरेंस क्या है बेटा? अकाउंटिंग डिफरेंस है। आपने बैलेंस शीट बनाई होगी और बैलेंस शीट के अंदर आपने, प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग, बैलेंस शीट के अंदर आपने बिल्डिंग और लैंड की वैल्यू को डिस्टिंग्विश किया होगा, अलग अलग दिखाया होगा। क्यों? क्योंकि सर लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, वो तो होगा ही मन के अंदर लड्डू फूटा या कीड़ा जो भी है। ठीक है जी, तो बेटा बिल्डिंग डेप्रिशिएबल एसेट है और लैंड नॉन डेप्रिशिएबल है। हमारा एएस आपको पता ही होगा, एएस, हाँ सर एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि बिल्डिंग की वैल्यू अलग दिखाओ और लैंड की वैल्यू अलग दिखाओ। वो आपको पता है क्यों बोलता है? जान गए होंगे आप, तो थोड़ा बिल्डिंग में डिफरेंस पता लगा होगा। और सर जो हाउस प्रॉपर्टी होती है इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ लैंड। बेटा बिल्डिंग एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ लैंड एंड हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ लैंड। तो ये लीगल इंटरप्रिटेशन, इतनी बात पहले समझ में आ गई। अब कान खोल के सुन भी लो और देख भी लो, ये मैंने यहां पे इंटरप्रिटेशन की है, ये इंटरप्रिटेशन। अगर आप देखोगे तीन कंडीशन थी, ये मैंने चार्ट बनाया है इसका, ये सारा व्हाट्सएप आ जाएगा, आप वहां से कॉपी कर ले। कह रहा है जो प्रॉपर्टी है, यहां पे प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब क्या है? हाउस प्रॉपर्टी, एंड हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बिल्डिंग, बिल्डिंग भी आएगी, कोई डाउट नहीं किसी को? अब किसी को डाउट है कि हाउस प्रॉपर्टी क्या है, बिल्डिंग क्या है? क्लियर है ना? हाउस प्रॉपर्टी क्या है? विच इंक्लूड वैल्यू ऑफ लैंड, और बिल्डिंग क्या है? विच एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ लैंड। सिंपल, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं कभी लाइफ में कि बेटा ये डिफरेंस क्या है इनके बीच में, बस वो ये पूछेगा कि अगर हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी, अगर हाउस प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दी है तो मुझे बताओ वो जो इनकम आप जनरेट कर रहे हो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर चार्जेबल होगी या नहीं होगी? दूसरा क्वेश्चन कोई क्या पूछेगा कि वो बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है, बताओ जी उसकी जो रेंटल इनकम है वो कहां आएगी? तो बिल्डिंग की रेंटल इनकम भी कान खोल के सुन लो कहां आएगी? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। अब एक बच्चे का क्वेश्चन क्या आता है कि सर मेरे पापा तो डीलर है। मैंने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, किस चीज के डीलर है? भाई बिल्डिंग है उनके पास, बड़ी सारी बिल्डिंग है, और उन्होंने वो किस पे दे रखी है? रेंट पे। सर जो उनकी इनकम आती है ना उनका सीए हाउस प्रॉपर्टी में नहीं दिखाता,
वो खुद कह रहा है सर अभी रिटर्न गई थी, हमने तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं दिखाई, आप गलत बता रहे। बेवकूफ आदमी नालायक, दूसरी कंडीशन तो चेक कर ले, क्या तेरे पापा मालिक है उन बिल्डिंगों के? फिर कहता नहीं सर मालिक नहीं सर ब्रोकरेज मिलती है। हो गया ना बेड़ा गर्क, पहले कंडीशन तो चेक, एक कंडीशन बता दी बस उसी में 30 मार्क खा बन गया भाई, आगे की तो कंडीशन चेक कर ले। और मैंने बोला कि एक नहीं तीनों कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए मुझे तीनों, अगर तीन होंगी तो इनकम चार्जेबल होगी, अदरवाइज नहीं होने वाली। तो भाई पहली कंडीशन पढ़ के नमस्ते लंदन मत बोल देना, क्योंकि आगे सावधान इंडिया है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या? हाउस प्रॉपर्टी और बिल्डिंग। तो एक चीज तो बच्चे के दिमाग में आ गई कि सर चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो चाहे बिल्डिंग हो, अगर हमने वो रेंट पे दे रखी है, अगर हमने वो रेंट पे दे रखी है और हम उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो वो इनकम यहां पे चार्जेबल होगी। हाँ तीसरी कंडीशन हम चेक करेंगे, पर पहले ये कंडीशन तो पढ़ लें। ओनरशिप क्या होती है, ओनरशिप क्या चीज है? देखो तीन ओनरशिप होती है, जो हाउस प्रॉपर्टी होती है बिल्डिंग होती है उसमें तीन तरीके से ओनरशिप होती है। पहला फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, दूसरा अगर देखोगे आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी, और तीसरा अगर आप देखोगे डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप तो बताओ जी लॉ के अकॉर्डिंग ओनरशिप कितनी कैटेगरी के अंदर है? तीन कैटेगरी के अंदर। पहली कैटेगरी क्या है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। क्या होती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी? अगर कभी आप अपने फादर के साथ गए हो कोई फ्लैट परचेज करने के लिए डीडीए का या कोई सा भी फ्लैट, तो आपने सुना होगा वो कहते हैं कि ये ना प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है। कितनों ने पहले ये वर्ड सुना है कि ये प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब है आप इमेजिन करो कि आप एक डीडीए का फ्लैट परचेज करने जा रहे हो। डीडीए एक अथॉरिटी है, ठीक है जी, जैसे हुड्डा यहाँ पे अथॉरिटी है, डीडीए एक अथॉरिटी है। तो डीडीए का आप क्या कर रहे हो, दिल्ली के अंदर एक फ्लैट परचेज करने जा रहे हो। वहां का डीलर पता है क्या बोलता है आपको? मैडम सर ये प्रॉपर्टी क्या है? फ्री होल्ड है। मतलब कि बेटा जो इसकी लैंड है वो आपकी नहीं है, लैंड नहीं है आपकी, बस जो ये घर मिला है ना जितना इतना ही है आपका। फ्री होल्ड मतलब कि जो प्रॉपर्टी आपके पास आएगी उसके अंदर कोई भी क्या होगा, चार्ज नहीं होगा, उसके अंदर कोई भी मोर्टगेज नहीं होगा, हमने कुछ गिरवी नहीं किया होगा। बट लैंड जो है यहां पे, लैंड आपकी नहीं है। पर अगर आपने देखा हो कई लोग क्या करते हैं, प्लॉट परचेस करते हैं, जमीन का एक टुकड़ा परचेस करते हैं, क्या वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड होती है? नहीं, वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें लैंड भी आपकी और वो घर भी आपका। पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर लैंड आपकी नहीं है, क्या आप उस लैंड के साथ अपनी इच्छा से कुछ कर सकते हो? आपको पता हो अगर पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, वैसे बिल्डर की भी होती है, जो आपको फ्लैट मिल जाता है ना उसके अंदर भले ही कुछ कर लो, बाहर नहीं कर सकते आप। जितनी बालकोनी थी उतनी होनी चाहिए, पर आपको पता है इंडिया है सर, बालकोनी तो इतनी सी थी मतलब 2 फुट, हमने उसे 6 फुट कर दिया, नीचे से हमने पिलर बना दिए। बच्चे ऐसे आके बताते सर देखो हमने ऐसा, तो ये तो इलीगल है ना। जिस दिन लपेटे में आए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, क्या होगा उस दिन? सब टूट जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी इतने सारे दिल्ली में मेट्रो लाइंस बनी, अभी नहीं मतलब 10 साल पहले, तो आपने देखा होगा उत्तम नगर, जनकपुरी सारा तोड़ दिया उन्होंने। कई शॉप्स थी हमारे, तो सामने की बात है, कई शॉप्स थी हमारे रिलेशन में थे, उनकी भी शॉप थी, तोड़ दी उन्होंने। नो डाउट कंपनसेशन मिला, नो डाउट, बट मुझे बताओ गवर्नमेंट का अगर ऑर्डर आएगा, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप इस तरीके से किसी अथॉरिटी के, वो बिल्डिंग है, वो प्रॉपर्टी किसी अथॉरिटी के, नो डाउट आपने परचेस कर ली है, बट अगर आप उस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो तो इलीगल है, वो अलाउड नहीं होता। इतनी बात समझ में आई कि सर अगर हम खाली जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं तो वो हमारी क्या होती है? लैंड होती है, वो हमारी प्रॉपर्टी होती है। उसके ऊपर घर बनाते हैं तो लैंड भी हमारी होती है,
और प्रॉपर्टी भी आप कोई बंदा ग्राउंड फ्लोर परचेस कर ले तो वो क्या करे, लैंड भी खरीद ली इसकी, तभी उस प्रॉपर्टी के कागज में लिखा होता है कि जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है फ्री होल्ड है और इस प्रॉपर्टी की जो लाइफ है वो 100 साल है, तो उसमें बताया होता है। वैसे आपके पेपर में वो चीज नहीं बता रखी होगी, जो डीडीए परचेस करती है, जब डीडीए बनाती है, कंस्ट्रक्शन करती है, तो उसके उसमें लिखा होता है कि डीडीए प्रॉपर्टी को दोबारा से रिन्यू करना होगा, रिकंस्ट्रक्शन करना होगा। फिर आप कहोगे सर डीडी वाले दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम कहां जाएंगे, बेटा पैसे देने पड़ेंगे आपको। जितने भी ये आपने मेट्रो स्टेशन देखे हैं, तो ये जो सारे पिलर्स बने हुए बड़े बड़े, इन सबकी लाइफ 100 साल है। 100 साल के बाद इंजीनियर आएगा, कोर्ट से ऑर्डर इश्यू होते हैं इनके, कोर्ट से ऑर्डर इश्यू होने के बाद चेक किया जाएगा कि ये पिलर कैसा है, पूरा इंस्पेक्ट किया जाएगा उसे। जहां लगा कि भैया बस ये तो कभी भी गिर सकता है, वहीं उसको पूरा तोड़ के, कानून, मैंने बताया था ना आपको कानून इस तरीके से काम करता है, तो कानून क्या करेगा, पूरा तोड़वा के दोबारा बनाओ। किसको कहेगा, सरकार को कहेगा, जो वहां सरकार है जिस स्टेट की, बनाना पड़ेगा ना, और अगर नहीं बनाएंगे तो सजा मिलेगी, तो गवर्नमेंट बॉडीज को भी सजा मिल सकती। आगे चले, लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या है। हां जी, आपने बड़ा देखा होगा यार, इतने सारे बैंक हैं, क्या करते हैं बैंक ने जो ऑफिस ले रखे होते हैं, अपनी ब्रांच ऑफिस, सारे लीज पे ही तो होते हैं। कोई 5 साल की लीज लेता है, कोई 10 साल की लीज ले लेता है, कोई 15 की ले ले, कोई 20 की ले ले, क्या जा रहा है, जो लैंडलॉर्ड है उसके तो मजे आ जाएंगे। बेटा प्रॉपर्टी ऑफ लीज अप टू 12 इयर्स और मोर देन लेसी इज डीम्ड ओनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। देखो क्या करे, अप टू 12 इयर्स, ये हाई कोर्ट में इसका केस हुआ था, अप टू 12 इयर्स और मोर देन लेसी इज डीम्ड ओनर। क्या मतलब इसका, कि अगर किसी ने भी 12 साल से ज्यादा की लीज ले ली, तो जिस आदमी ने लीज ली है वो डीम्ड ओनर होता है, वैसे मालिक नहीं होता पर डीम्ड ओनर मान लिया जाता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जितने लोग रेंट पे रहते हैं, कई लोग बड़े अच्छे होते हैं, वो रेंट वाला मकान छोड़ के जाते ही नहीं। कई लोगों ने आपने सुना होगा, कई लोग तो 20 साल से, अच्छा कईयों ने कितने तक सुना है, 5 साल सुना है कि 5 साल से एक आदमी रेंट पे रह रहा है, 10 साल, या आपने चलो सुना नहीं, आपने देखा हो कि आदमी 10 साल से रेंट पे रह रहा है, 15 साल, सर अभी हमारी एज 15 नहीं, ठीक है, मतलब ऐसा है कि कई लोग 20-25 साल से, और कई लोगों ने तो पूरी जिंदगी वहां पे काट दी अपनी भाई, और ऊपर भी चले गए, ऊपर मतलब भगवान जी के पास। तो मुझे बताओ, जितने भी लोगों ने क्या किया, वो रेंट पे घर लिया, सबने क्या 11 महीने का रेंटल एग्रीमेंट बनाया होगा या नहीं, मान लेते हैं सबने 11 महीने का बनाया होगा, किसी ने 1 साल का बनाया होगा नहीं। अब एक आदमी है जिसने क्या किया था, 1 साल का बनाया था, कितने का बनाया था, 1 साल का, जिसका केस हाई कोर्ट में गया था उसकी बात बता रहा हूं, 1 साल का उसने एग्रीमेंट बनाया था। अब हर साल आपको पता है कि ये रिन्यू करवाना पड़ता है, ये एग्रीमेंट हर साल क्या होगा, रिन्यू होगा, और हर साल क्या होता है, जो आपको पता होगा अच्छी सोसाइटीज होती है, हर साल रेंट भी बढ़ता है, 10% 20% जो भी है, मेंटेनेंस वो सब बढ़ना है। ऐसे करते कराते कितने साल हो गए उस आदमी के, 12 साल हो गए, 12 साल से कहां रह रहा है, सर एक ही घर में रह रहा है, तो मुझे बताओ 12 साल हो गए तो क्या 12 बार उसने रिन्यूअल कराया होगा या नहीं कराया होगा। हमारा कानून कहता है, हमारा इनकम टैक्स का कानून कहता है कि अगर किसी की 12 साल की लीज हो गई है, एग्रीगेट मिला के किसी की 12 साल की लीज हो गई है, तो जिस साल 12 साल की लीज होगी, ये 12वां साल है मान लो, उस साल से वो डीम्ड ओनर माना जाएगा, उस साल से वो डीम्ड ओनर माना जाएगा। अब क्या समझे, इसीलिए तो लोग 11 महीने की कराते, क्योंकि अगर लोगों ने एक एक साल की करानी स्टार्ट कर दी तो जैसे ही वो 12 साल होगा, अच्छा कहीं ऐसी भी सोसाइटीज हैं, आप अगर देखोगे कहीं ऐसी भी सोसाइटीज हैं जो 5 साल या 10 साल के बाद, पहली बात तो 11 महीने का बनाते हैं पर 5 या 10 साल के बाद वो खुद ही कहते हैं खाली करो,
दूसरा ही आदमी आएगा, आप रहोगे ही नहीं, प्रॉपर्टी नहीं ना आपकी, बस रहना ही नहीं, बनाना ही उन्होंने 11 महीने का है। और उसके बाद उस 11 महीने में भी कंडीशन लिखी है कि अगर ये रिन्यू करवाएगा बंदा 5 साल का तो रहेगा ही नहीं इधर, भले ही आप उस सोसाइटी के अंदर दूसरी जगह मकान ले लो पर यहां पे नहीं रहोगे इस मकान में। बातें समझ में आ रही है? तो इसलिए लोग 11 महीने का करते हैं, क्योंकि सर अगर वो 12वें साल में वो टैच कर गया तो वो बंदा डीम्ड ओनर हो जाएगा, और उस केस के अंदर अगर वो डीम्ड ओनर हो गया तो मैंने कहा था ओनर नहीं होना चाहिए, अगर वो ओनर हो गया तो उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, फिर हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, और कहीं जाके हमें टैक्सेबल करनी होगी, वो हम देखेंगे कहां टैक्सेबल करनी होगी। क्या आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी समझ में आई? आपको ये पता लगा कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी में एक आदमी ओनर कब बन सकता है? कब बन सकता है? जब उसकी लीज 12 साल की हो जाएगी। या तो आप सीधे ही 12 साल की ले लो, या आपकी लीज का क्या होगा, एग्रीगेट किया जाएगा, पर एग्रीगेट किसका होगा? जितने भी एग्रीमेंट 1 साल वाले रिन्यू होंगे। अगर 11 महीने वाले, अब एसएससी ने कहा कि सर अगर जो लोग 11 महीने वाले हैं अगर उनका एग्रीगेट करते चले जाएं तो उनका भी तो कभी ना कभी 12वां साल आएगा, पर लॉ मेकर ने कहा नालायक गधे, यहां पे जो एग्रीगेट है लीज का भी एक लॉ बना हुआ है, तो एग्रीगेट किसका होता है? 1 ईयर का। अगर महीने हैं तो उनका एग्रीगेट कभी भी नहीं होगा। एक और चीज आपको बता दूं, मजे की बात, वैसे मेरा पार्ट नहीं है, जब आप टोपा पढ़ोगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, 30 साल अगर किसी जमीन में आप रह गए, किसी भी जमीन के टुकड़े में आपने अपना घर बना लिया, आप रह रहे हो 30 साल कंप्लीट हो गए, गवर्नमेंट के पास भी पावर नहीं है कि आपको वहां से हटा दे, हटाएगी तो पैसे देने होंगे। तो 30 साल किसी मकान के अंदर सिखा नहीं रहा, कब्जा कर लो, 30 साल के बाद तो वो आपका है, फिर चाहे किसी के पास ओरिजिनल पेपर हो, चाहे किसी के पास हो या ना हो, कुछ भी आपका घर हो जाएगा वो, क्योंकि हिंदुस्तान का लॉ कहता है, कानून कहता है कि 30 साल से बेहोश पड़ा हुआ था कोई तेरी जमीन में रह रहा है, मकान बना लिया, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद आप कह रहे हो कि ये मकान दे दो मुझे, तो लॉ मेकर ऐसे ना कोर्ट में लॉ मेकर ने बोला, जजेस ने बोला कि भैया ये क्या ड्रामा है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी समझ में आ गई, दोनों समझ में आ गई। डीम्ड ओनरशिप क्या होती है? डीम्ड ओनरशिप मतलब क्या है, मानो या ना मानो, मान लिया जाएगा कि आप ही इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, ठीक है जी। तो अभी मैं बस सिंपल सा पढ़ा देता हूं, कितने बच्चे घर यहां पे क्लास के अंदर जिनकी मम्मी के नाम से घर रजिस्टर्ड है, हमारा भी घर मम्मी के नाम से ही है पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानता है, नो डाउट, कानून कहता है कि मम्मी का घर, कोर्ट कहता है मम्मी का घर, पर आपको पता है इनकम टैक्स पिया हुआ, ये क्या मम्मी का नहीं है, मम्मी का कहां से आया, पैसे कहां थे मम्मी के पास, वो तो पापा ने दे दिया, ये घर माना किसका जाएगा, पापा का ही माना जाएगा। तो अगर ट्रांसफर टू अ स्पाउस, अगर किसी ने, स्पाउस का मतलब समझते हो ना, कौन, नालायक, वाइफ के लिए हस्बैंड और हस्बैंड के लिए वाइफ, मतलब ही भी हो सकता है शी भी, स्पाउस का मतलब कई बार बच्चे कहते हैं बस शी शी, भाई ही भी तो होता है, ही भी किसी का है, तुमने हर जगह शी कर दिया, छी नहीं यार, ये बात समझ में आ रही है, ट्रांसफर टू स्पाउस। तो अगर किसी ने अपनी स्पाउस को क्या कर दी, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन होनी चाहिए सेक्शन में लिखा हुआ है, तो उस केस के अंदर डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा, जिसने ट्रांसफर की है, ट्रांसफरर ही डीम्ड ओनर माना जाएगा। माइनर चाइल्ड आपको पता होगा, माइनर चाइल्ड कई बार मम्मी पापा डेथ हो गई, प्रॉपर्टी आ गई उसके पास, तो जो जब तक जो उसका केयर टेकर होगा वही उसका क्या होगा, डीम्ड ओनर होगा, उसके बाद आने के बाद उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। वो लोग हमेशा पुरानी मूवी देखी होगी, वो चाचा जी ताऊ जी यही सोचते रहते हैं ये 18 साल का कब होगा तो मारेंगे इसको, उससे पहले प्रॉपर्टी नहीं आनी अपने पास, दिखावे के लिए हम लोग मालिक हैं, ये हैं वो हैं, पर भाई जो होना है वो 18 साल के बाद, तो 18 साल तक तो उसको इतना प्यार करते हैं और 18 साल के बाद उसे रिमांड में लेते हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे 5 केस यहाँ पे बता रखे, ठीक है, हम पढ़ेंगे 5 केस हम पढ़ेंगे जब चैप्टर हमारा खत्म होगा,
जब चैप्टर अंतिम सांसें गिन रहा होगा उस टाइम पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तीन कंडीशन, पहली कंडीशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या, हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बिल्डिंग। दूसरी कंडीशन ओनरशिप, ओनरशिप क्या होगी सर, तीन कैटेगरी हो सकती है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो सकती है आप उसके भी मालिक हो, डीम्ड ओनरशिप हो सकती है आप उसके भी मालिक हो, और लीज होल्ड प्रॉपर्टी। और लीज होल्ड तभी होगी जब सर अब वो अप टू 12 इयर्स होगी, 12 साल की लीज होगी। इसलिए जितनी भी कंपनी से सबको ऐसे ही होता है, 10 साल की लीज मिलती है, 5 साल की लीज मिलती है, फिर उसके बाद दोबारा क्या करो, यहां से ऑफिस चेंज करो। आप जरा ध्यान से अपने घर के आसपास देखा करो कि अगर कहीं पे पीएनबी की ब्रांच थी, अगर कहीं पे पीएनबी वाले की ब्रांच थी, तो आप वहां पे देखना कि 5 साल बाद या 10 साल बाद वो ब्रांच वहां से चेंज हो गई और कहीं शिफ्ट हो जाती है। और अगर वो वहीं रह गई है, परमानेंट घर बसा लिया उसने वहां पे ब्रांच ने, तो आप अगर पता करोगे तो इन लोगों ने लीज ले रखी होगी 10 साल, इन लोगों ने क्या कर रखा होगा, लीज ले रखी होगी 10 साल की, और 10 साल के बाद वो क्या है, रिन्यूअल होनी है। उस लीज को क्या कराना है, इनको रिन्यू करवाना है, क्योंकि अगर वो ज्यादा हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तीसरे केस में आ जाओ जी, प्रॉपर्टी नॉट यूज्ड बाय द ओनर, ओनर वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। तो लोगों ने क्या कर रखा होता है, ऊपर घर होता है नीचे शॉप होती है, तो जो वो घर अपने यूज के लिए कर रहा है वो तो कहानी अलग है, पर जो वो शॉप के अंदर बिजनेस कर रहा है क्या उसका मालिक है या नहीं उस प्रॉपर्टी का, यस। तो क्या वो जो इनकम वहां से अर्न कर रहा है उस बिजनेस से, चाहे वो किराने की दुकान है, चाहे वो किसी भी चीज की शॉप है, जो भी वो इनकम वहां से अर्न कर रहा है, क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, नहीं आने वाली, वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आने, रेंटल तो आ ही नहीं रहा ना उसके पास, अपनी अपने आप से रेंट लेगा, पहले लेगा ठीक है, फिर तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सर मिस्टर ए है उनकी हाउस प्रॉपर्टी है और मिस्टर ए ने उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, सब लेट आउट कर दिया मिस्टर बी को। मिस्टर ए ने किसको लेट आउट कर दिया, मिस्टर बी को, वो प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी और मिस्टर बी को क्या बोला कि भाई इस प्रॉपर्टी का हर महीने तुम्हें क्या करेगा, रेंट देगा 10,000 रुपए। आगे वो बंदा बी क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को सब लेट आउट कर देता है। तो आपको ये बताना है कि जो मिस्टर ए ने लेट आउट किया मिस्टर बी को, लेट आउट जो उसने किया है प्रॉपर्टी को, वो इनकम कहां पे टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। क्यों सर, पहली कंडीशन की हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो हाउस प्रॉपर्टी है, ओनर भी है, और सर वो खुद तो यूज कर नहीं रहा अपने और बिजनेस प्रोफेशन पर्पस के लिए, तो वो इनकम कहां पे आएगी, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आएगी। पर अगर मिस्टर बी की बात करें तो उसको भी सब लेट आउट करके उससे रेंटल इनकम आ रही है, सब लेट आउट करके मान लो उसने 15,000 का रेंटल इनकम किया। आपको भी पता होगा हर जगह एसी होता है, आप में से अगर कभी आप कभी बाहर जाओगे घर लेने के लिए रेंट पे, तो होता क्या बीच में ब्रोकर होते हैं, कभी आपको ओनर नहीं मिलेगा, बाई चांस टकरा गया तो वो कहानी अलग है, और ब्रोकर मिलते तो होता ही क्या है कि उन्होंने कुछ और भाव में लिया होता है और वो आपको ज्यादा में ही देंगे, यही तो बिजनेस है ना, सीधी सी बात है। तो 15,000 रुपए में उसने मिस्टर सी को क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया, तो इनकम तो मिस्टर बी की भी हो रही है, उसकी इनकम कहां आएगी सर, उसकी इनकम यहां पे नहीं आने वाली, क्यों, क्योंकि वो ओनर नहीं है। अब बच्चा कह रहा है सर रेंटल इनकम तो आ रही है ना, जो टेनेंट है मतलब किरायेदार है वो तो रेंट पे कर रहा है ना, तो इनकम कहां पे आएगी, इनकम तो हो रही है ना मिस्टर बी की, तो वो इनकम कहां पे आएगी, क्या वो सैलरीड इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, क्या वो उसका बिजनेस है। आपको पूछना पड़ेगा उस बंदे से कि क्या आप ये बिजनेस करते हो क्या, कि जितने भी लोग ओनर होते हैं उनसे कहते हो अपनी प्रॉपर्टी दो, और आपने अपना बिजनेस ही खोल लिया है, किस चीज का बिजनेस खोल लिया आपने, सब लेट आउट का बिजनेस खोल लिया, वेरी गुड, सब लेट आउट का आपने बिजनेस ही खोल लिया। तो उस केस के अंदर आपने बिजनेस खोल लिया तो आपकी कौन सी इनकम मानी जाएगी, पीसीपी की। और अगर आपने ऐसे ही मतलब कि आप खुद पीसी में रहते थे, एक दिन लैंडलॉर्ड आया उसने कहा यार मेरा साकेत में भी एक मकान है, बताइयो किसी को अगर रेंट पे चाहिए हो, आपने उसी टाइम कोई था उसको फोन किया, उसने कहा जी मुझे रेंट पे, आपको कमीशन मिल गई 25,000, मजे आ गए आपके, तो किया क्या, कुछ नहीं, एक फोन कॉल और 25,000 रुपए आपकी जेब, महीने का पहला रेंट आपकी जेब में चला गया, आपकी इनकम हुई या नहीं हुई,
क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगी? क्या वो पीसीपी में आएगी? नहीं। क्या वो कैपिटल गेन है? क्या कोई एसेट आपने बेची है? नहीं, तो कचड़े के डब्बे में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वहां जाके टैक्सेबल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? पहले आपको फर्स्ट फोर हेड्स चेक करने हैं कि वो इनकम आ रही है या नहीं आ रही। चले जी आगे। चलो जी, सर कह रहे आगे चलो। अब देखो आप यहां पे एक होता है जी कंपोजिट रेंट, और यहां पे कंपोजिट रेंट की दो कैटेगरी बताई गई है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना प्लीज, कॉन्सेंट्रेट करना, बड़ा हैवी टॉपिक। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कई बार आप रेंट पे, कोई रहा है आप में से रेंट पे? कभी नहीं, कोई नहीं। किसी को देखा है रेंट पे रहते हुए? तो बेटा अगर वो रेंट पे रह रहा है तो मुझे बताओ आपको पता होगा नहीं होगा कि सर आपको क्या पता होगा? उसको पता होगा कि सर उसको क्या है, बिजली का बिल पे करना है, पानी का बिल है, सर वो एक मेड लगा रखी है, पूरा जितना उनका जीना है वो सारा साफ करके जाती है, वॉशरूम साफ करके जाती है हर वीक, वो सारे उसके पैसे चार्जेस मेंटेनेंस वो सब लेते होंगे नहीं लेते होंगे, लिफ्ट लगी है उसके भी पैसे लगेंगे। तो मुझे बताओ फैसिलिटी हो गई, वॉच, वो सिक्योरिटी गार्ड जब भी आप कार से आते हो वो ऊपर करता है, फिर जो उन्होंने लगाया हुआ है गेट, और उसके बाद नीचे, और फिर आपकी गाड़ी जाती है और ध्यान रखता है सर की गाड़ी कहीं कोई चोरी ना करे, टायर ना निकाल दे रात। तो मुझे बताओ ये सारी फैसिलिटी के आपको पैसे पे करने होते नहीं होते? अब मुझे बताओ क्या कंपोजिट रेंट का मतलब ये हो गया नहीं हो गया कि जो फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी? कि देखो आपको, मैंने आपको कहा कि देखो भाई बात ऐसी है, ये घर है, ये रूम आपको दे रहा हूं रेंट पे, 10,000 रुपए इस रूम के लूंगा, छोटी बात कर रहे हैं अभी, तो 10,000 रुपए इस रूम का रेंट होगा, प्लस बिजली का बिल है, पानी है, सिक्योरिटी है, लिफ्ट है, सब कुछ है, वो 5,000 रुपए टोटल आपको कितना पे करना है? 15,000 रुपए। देखना आप में से कितने फंसते हैं अभी, देखते हैं। अब मुझे बताओ रेंटल इनकम 15,000 रुपए है या 10,000 रुपए? रेंटल इनकम आप कितनी कहोगे, 15,000 या 10,000? कितने कह रहे हैं? 10,000। वेरी गुड, पापियों ने हाथ उठाया तो सही होगा आंसर, ठीक है जी। तो 10,000 रुपए क्यों? क्योंकि सर जो प्रॉपर्टी है उसका रेंट तो 10,000 है ना, वो तो अदर फैसिलिटीज है जिसकी वजह से रेंट बढ़ गया। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट। तो कंपोजिट रेंट दो तरीके से होता है, दो कैटेगरी में होता है। एक कैटेगरी होती है ओनर्स प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द टेनेंट, मालिक लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, किरायेदार को फैसिलिटी दे रहा है, कर भाई बिजली यूज कर क्या जा रहा है, कितनी भी कर, महीने के 5,000 रुपए देने। अब आप क्या ऑफिस भी गए हो, एसी चल पा रहा है तो लैंडलॉर्ड भी तो बड़ा चालू है, बाहर एमसी के लेट आई बात समझ में। तो क्या मुझे बताओ ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता कि कंपोजिट रेंट के अंदर ओनर फैसिलिटी दे रहा और कंपोजिट रेंट में, यहां पे ध्यान से देखना कि आपको कौन फैसिलिटी दे रहा था, कौन फैसिलिटी दे रहा था? ओनर फैसिलिटी दे रहा था, यस और नो? ओनर आपको फैसिलिटी दे। अब आपके सामने मैं केस रखता हूं, आप मुझे बताना उस केस का क्या आंसर होगा। प्रॉपर्टी का रेंट 10,000 रुपए, प्रॉपर्टी का रेंट कितना है? 10,000 रुपए। कॉन्सेंट्रेट करना, एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है। एक गैस एजेंसी वाला है, उसको हमने वो प्रॉपर्टी क्या कर दी है, रेंट पे दे दी। आपने देखा कई गैस एजेंसी है जो प्रॉपर्टी रेंट पे लेती है और वहां से फिर गैस डिलीवर कर, अब ये सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया अगर आपको बताओ। तो गैस एजेंसी वाले को हमने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी। अब क्या हुआ होगा कि भाई उसकी गैस एजेंसी है तो हमें भी तो गैस की जरूरत पड़ती है, तो हमने क्या कहा उसे कि हर महीने 2 गैस के सिलेंडर हमारे यहां देखे जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई पैसा नहीं देंगे तुझे, वो भी कह रहा मालिक आपसे पैसे लेंगे, आपसे पैसे नहीं लेने वाले। अब एक सिलेंडर मान लो कितने रुपए का, गैस का 450 मान लो आप, 500 रुपए हम टिप दे देते हैं,
₹50 मतलब टिप देते हैं, जो भी मान लो ₹500 मान लो आप, एक महीने में कितने के गैस सिलेंडर आपको फ्री मिल गए? दो, तो उनकी कॉस्टिंग कितनी होगी? ₹1000। साल में कितने महीने? 12, तो कितने की गैस फ्री हो गई? ₹12000 की, क्योंकि दो के 1000 बन रहे ना, तो ₹12000 मुनि वाला हिसाब लगाओ, मोटा हिसाब कि सर महीने के 1000, साल में 12 महीने, साल के महीने 12000, तो ₹12000 आपको साल का पे करना है, यस और नो? मतलब साल का मतलब आपको बेनिफिट मिला, पे थोड़ी ना करना है, आपको बेनिफिट मिला है। और महीने का रेंट कितना था? 10000। महीने का रेंट कितना था? 10000। अब मैं आपके सामने ऑप्शन डालता हूं, ₹10000 की रेंटल इनकम, या लड़का कह रहा है ₹11000 रेंटल इनकम, 10000 या 11000 पर मंथ रेंटल इनकम कितनी? 11 वाला कौन है? बस वो हाथ उठा लो एक बार प्लीज, 11000 वाला हाथ उठा लो, पापी भी उठा सकते हैं आप, पता लगना चाहिए पापियों को भी पता है या नहीं है। पापी ऐसे आ रहे हाथ, आज तो ऊपर आएगा ही नहीं। हाँ जी, वेरी गुड बेटा, 11 होगा। बोलो क्यों? अबे गैस के सिलेंडर उसके हैं अपने, अभी ओनर फैसिलिटी दे रहा था, पानी ले ले, बिजली ले ले, काम वाली ले ले, ये ले ले, वो ले ले, और बस देना क्या है, सबकी सर्विस का 5000 देना है और रूम का रेंट 10000 है। पर ओनर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द टेनेंट, बट यहां पे टेनेंट इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द ओनर। गैस सिलेंडर कौन दे रहा है? टेनेंट दे रहा है। आपको नहीं लग रहा कि ₹10000 रेंट बोला है तो क्यों बोला है? रेंट तो 11000 है। इनकम टैक्स वाला समझता नहीं है क्या आपकी बातों को? ये आपकी भावना उसे दिखाई नहीं देती या समझ में नहीं आती, वो समझ लेता है सब कुछ। बात समझ में आ रही है? तो बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कंपोजिट रेंट, तो आपको ये चेक करना है कि जो भी वो सर्विस है, जो भी वो फैसिलिटी है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, ओनर या टेनेंट? अगर ओनर कर रहा है तो वो जो भी रेंट होगा उसमें एक्सक्लूड होगा। अगर मान लो कंपोजिट कहते हैं कि ₹15000 रेंट है, इसमें लिफ्ट है, ये है, वो है, वो है, सब मिला के ₹5000, तो 15 में से वो 5 माइनस हो जाएगा और ₹10000 रेंटल इनकम हो जाएगा। पर अगर वो कहता है टेनेंट फैसिलिटी दे रहा है और ₹10000 का किराया है, फैसिलिटी जो उसने दी है, गैस के सिलेंडर प्रोवाइड करवाए, ये ₹1000 कॉस्टिंग। हाई कोर्ट में गया था ये केस, और आपको पता है क्यों गया होगा? क्योंकि सर यहां पे दिक्कत है, तो ये चला गया, और इनकम टैक्स वाला ही लेके गया होगा कि नहीं तू तो 11000, पर वहां 11000 की बात नहीं है, मान लो वहां 11000 करोड़ों की बातें हो रही हो, करोड़ों में बातें हो रही हो इनकम की, तो भाई साहब इनकम टैक्स वाले तो ₹1 नहीं छोड़ेंगे, तो फिर वो तो कहे चला। समझ में आया या नहीं? चले आगे, चलो ये देखो पूरी समरी कर देते हैं। सर आपने कहा 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन कि हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बिल्डिंग। सर दूसरी कंडीशन कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक होने चाहिए, ओनर होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन कि वो प्रॉपर्टी आपके बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि बिजनेस क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है, कोई बात नहीं, वेट करे, जब हम लोग पीसीपी स्टार्ट करेंगे तो वहां पे उसको बताया जाएगा कि प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है। अभी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, CMA, आर्किटेक्चर, लॉयर्स, ये सब क्या है? प्रोफेशन। आगे चलते हैं, कंपोजिट रेंट भी हमने देख लिया। अब जिन बच्चों के पास बुक है, अब कंडीशन पढ़ने के बाद बात ये आती है कि सर हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? भाई वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेंगे कैसे हम लोग? तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकाली जाएगी? सबसे पहले स्टेप लिखो, प्लस जो CS वाले बच्चे हैं वो अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं, तो हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बेटा पहला स्टेप होगा स्टेप 1, आपको निकालनी होगी GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। स्टेप 1 है, आपको निकालनी होगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब क्या? GAV, ठीक है जी। और GAV का मतलब क्या? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अभी डिटेल में देखेंगे कि GAV निकलेगी कैसे, हाउ टू फाइंड आउट GAV, वेट कर, अभी तो बस फॉर्मेट बता रहे हैं। इसमें दो चीजें माइनस होंगी, कितनी चीजें माइनस होंगी? दो। पहला
म्युनिसिपल टैक्स पहला जो माइनस होगा वो म्युनिसिपल टैक्स होगा, ब्रैकेट में लिखना बोन बाय ओनर, बोन बाय ओनर, बोन बाय ओनर का मतलब कि ओनर ने वो पेड किया हो, पेड पेड वर्ड लिख लेना कि ओनर ने क्या किया हो, पेड किया हो तो ही माइनस होगा। अगर म्युनिसिपल टैक्स पेबल है तो माइनस नहीं होगा, पेड होना चाहिए। अब पेड में और पेबल में डिफरेंस होता है, आज जाके घर का बिजली का बिल देखो पता लग जाएगा, पेड लिखा हो तो बस नमस्ते बोल देना उनको। दूसरी चीज माइनस होगी अनरियलाइज्ड रेंट, दूसरी चीज माइनस होगी अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट के ब्रैकेट में लिखना ओनली करंट ईयर, ओनली करंट ईयर अनरियलाइज्ड रेंट इज डिडक्टेबल, ओनली करंट ईयर अनरियलाइज्ड रेंट इज डिडक्टेबल। केवल जो करंट ईयर का रेंट अनरियलाइज्ड रेंट होगा, मतलब जिस साल की आप इनकम टैक्सेबल कर रहे हैं बस वो ही माइनस होना है, उसके अलावा कोई रेंट माइनस नहीं होना। अनरियलाइज्ड वाला रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट क्या है सर? जो रेंट मिला नहीं, टेनेंट बदमाश है हमारा, किराएदार कहता नहीं दूंगा रेंट, जो करना कर ठीक है, रेंट ही नहीं देता बताओ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जीएवी निकालनी है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है, उसमें से दो चीजें माइनस करनी है, पहला म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, जो पेड किया होगा ओनर ने, मालिक ने पे किया होगा, और दूसरा अनरियलाइज्ड रेंट, जो अनपेड रेंट है जो आपको नहीं मिला है। आपके पास आ जाएगा एन ए वी, नेट एनुअल वैल्यू, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। हाँ, ये दो चीज माइनस करने के बाद, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से दो चीज माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज्ड रेंट, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। यहां तक बताओ कोई डाउट? समझाया गया है? कुछ भी नहीं, अभी तो समझाया नहीं, अभी तो बस ये बताया बेटा जीएवी ले, उसमें से दो चीजें माइनस कर, एनएवी आएगा, समझाया तो कुछ भी नहीं। एक फॉर्म आपको दिया है, उसमें लिखा है नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर वही कोर्स ये वो, बेटा ये चीजें लिखी है, समझ में आया होगा? हाँ आ गया, क्या समझ में आ गया भर उसको, फिर आएगा समझ में। तो बात समझ में आ रही है। अब सबसे पहले क्या सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कि सर जीएवी निकालनी है, वो आप निकालना सिखाओगे, तो कैसे निकालेंगे? देखो, हायर लोअर हायर एक फॉर्मूला है, यहां पे हायर लोअर हायर का एक फॉर्मूला लगेगा। अब हायर लोअर हायर का फॉर्मूला कैसे लगेगा, आपको चार टर्म सीखनी है। चार टर्म क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू नंबर वन लिख लो आप, नंबर वन आपको जीएवी निकालने के लिए चार टर्म्स आपको सीखनी है। नंबर वन क्या सीखना है बेटा बोलो? म्युनिसिपल वैल्यू, अभी बताता हूं क्या होती है। नंबर टू फेयर रेंट, नंबर टू फेयर रेंट, इसको मार्केट रेंट भी बोलते हैं, और नंबर थ्री स्टैंडर्ड रेंट, नंबर थ्री स्टैंडर्ड रेंट, नंबर फोर एक्चुअल रेंट, नंबर फोर होता है एक्चुअल रेंट, या इसे एनुअल रेंट भी बोलते हैं। देखो इधर देखो, आपने कहा इनकम टैक्स वाले को कि सर मैंने जो मकान किराए में दिया है उसकी जो रेंटल वैल्यू है 10,000 रुपए महीने का किराया लेता हूं। आपके हिसाब से आप महीने का किराया कितना लेते हो? 10,000 रुपए। क्या इनकम टैक्स वाला मान लेगा आपकी बात को? गैस के सिलेंडर ले रहा हूं, पता नहीं क्या क्या लेता हो, यस और नो? और पता लग रहा है कागज में 10,000, वैसे 15,000 रुपए का किराया, तो इसलिए इनकम टैक्स वाले आपकी बात को नहीं मानते। वो कहते हैं तूने 10,000 रुपए लिए, इसको बोलते हैं एनुअल रेंट या एक्चुअल रेंट, इसको साइड में रख। अब हमारे कानून के तीन प्रोविजन देख, पहला म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी। तो म्युनिसिपल वैल्यू क्या है सर? वो वैल्यू है जो म्युनिसिपल अथॉरिटी क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी कि जिस एरिया में आपका घर है उसका रेंट कितना होना चाहिए। तो उन्होंने क्या डिटरमाइन किया कि 8,000 रुपए इस एरिया का रेंट होना चाहिए। आपको पता है वो म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं? कि वहां की जो एमसीडी है, जैसे हमारे दिल्ली के अंदर एमसीडी है, तो उन्होंने क्या फैसिलिटी दे रखी है, रोड कैसी है, स्कूल
वहां पे प्रॉपर हॉस्पिटल्स हैं या नहीं है, वो सारी फैसिलिटी, मेट्रो की फैसिलिटी। अब मुझे बताओ कोई ऐसा रेजिडेंशियल एरिया है जो बिल्कुल सीपी से, इंडिया गेट से 10 मिनट की दूरी पे कनेक्टेड है, और बड़े से बड़ा हॉस्पिटल 15 मिनट की दूरी पे है, मेट्रो स्टेशन 5 मिनट की दूरी पे है, बड़े बड़े मॉल्स 10 मिनट की दूरी पे है। आपको नहीं लग रहा रेंट बट काफी हाई होगा वहां का, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू काफी हाई होगी? यार सारी फैसिलिटी आपको वहां पे मिल रही है, जो चाहिए आपको, आप एक बटन दबाओगे जो आपको खाने का मन करा वो सामने आ जाएगा, ऐसे जादू होगा वहां पे, इतनी फैसिलिटी है वहां पे। आ रही बात समझ में? तो ये उस एरिया की म्युनिसिपैलिटी डिटरमाइन करती। तो म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या? म्युनिसिपल वैल्यू मींस, लिखना है, म्युनिसिपल वैल्यू मींस द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी। म्युनिसिपल वैल्यू मींस द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी फॉर सच प्रॉपर्टी, फॉर सच प्रॉपर्टी। तो म्युनिसिपल वैल्यू मींस द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी फॉर सच प्रॉपर्टी। तो उस प्रॉपर्टी के लिए जो भी म्युनिसिपल अथॉरिटी ने वैल्यू डिटरमाइन की है वो वैल्यू मान ली जाए। तो मान लेते हैं म्युनिसिपल अथॉरिटी ने बोला कि महीने का 8,000 रुपए इस मकान का क्या होना चाहिए? किराया होना चाहिए, रेंटल होना चाहिए। फिर दूसरी टर्म क्या लिखी थी? फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब क्या है? मार्केट रेंट, कि मार्केट के हिसाब से क्या रेंट चल रहा है। कई बार मार्केट के हिसाब से होता है, जैसे आजकल टमाटर महंगा हो रखा है, तो मार्केट के हिसाब से क्या रेंट होगा? तो मार्केट के हिसाब से आपके घर का किराया 12,000 रुपए होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12,000, लिख लेना 12,000। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी बोली? 8,000। फेयर रेंट 12,000, एक्चुअल रेंट 10,000। वेरी गुड, आपने कितना लिया था? 10,000। आपने कितना लिया था? 10,000 रुपए पर मंथ है ये सारा। अभी तीसरा रह गया स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? लिख लो, स्टैंडर्ड रेंट मींस वैल्यू डिटरमाइंड बाय द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द रेंट कंट्रोलर। वैल्यू डिटरमाइंड बाय द रेंट कंट्रोलर एक्ट। एक कानून बना हुआ है रेंट कंट्रोलर एक्ट, चांदनी चौक, जो बड़े पुराने इलाके हैं आपने देखा होगा, वहां एक पान का खोखा भी लोगे ओ भाई साहब उसी के 50,000 रुपए रेंट दे रहा है, पता लग रहा है। दुकान इतनी सी है, कपड़े की दुकान है, छोटी सी दुकान है, और वो होता क्या है, सारा बाहर टेंट लगाया हुआ होता है, उसके भी पैसे देते हैं वो लोग वहां पे, उसकी भी हफ्ता वसूली होती है, दुकान का रेंट भी वो लोग पे कर रहे हैं। और वहां पे आप देखोगे तो वहां पे बहुत सेल है, बहुत ज्यादा सेल, चाहे फिर वो पान वाले हो, चाहे वो कोई साहब, चाहे जलेबी वाला भाई साहब, जलेबी समोसे सब ऐसे बिक रहा होता है कि बस सर पानी, कहीं भी तो लाल टपकने लग गए रुमाल ले ले। तो कहानी क्या समझ में आ रही बात? कि सर म्युनिसिपल वैल्यू आपने बता दिया, फेयर रेंट आपने बता दिया, एक्चुअल रेंट वो ले ही रहा था। सर तीसरा आ गया स्टैंडर्ड रेंट, और ये स्टैंडर्ड रेंट फिक्स्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। मतलब कि स्टैंडर्ड रेंट है भाई, चाहे कुछ हो जाए, चाहे तेरे एग्रीमेंट में लिखा हो कि तू यहां का किराया देता है 10 रुपए महीना, तू यहां का किराया देता है 1 रुपए महीना, बट हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानने वाले, हमारे अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी का रेंट तो इतना होना चाहिए। बहुत पुराने पुराने जो व्यापारी है उन्होंने रेंट में ले रखी, किसी ने 1 रुपए में, किसी ने 5 रुपए में, किसी ने 10 रुपए में, कोई आप इनकम टैक्स वाला मानेगा उसको? आप लीगल कानून के कागज में दिखा दो तो भी नहीं मानेगा, वो क्या पागल है, कौन आदमी है जो तेरे से 1 रुपए ले रहा है? और आप बिलीव नहीं करोगे, चांदनी चौक, लक्ष्मी नगर, करोल बाग, लोगों ने क्या कर रखा है, प्रॉपर्टी हायर कर रखी लोगों की, मतलब कब्जा किया हुआ है प्रॉपर्टी में, खुद की नहीं है प्रॉपर्टी, रहते हैं शान से रहते हैं जैसे खुद की प्रॉपर्टी है, जिसकी ये बेचारा वो कोर्ट में घूम रहा है, कोर्ट में मतलब काले कोर्ट में नहीं, चक्कर लगा रहा है, क्योंकि आपको पता है इंडिया का सहानी का मुद्दा बेटा ये है कि इनकम टैक्स वाला कहता है कि हम कह रहे हैं रेंट कंट्रोलर एक्ट के अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड रेंट है इस प्रॉपर्टी का, तू चाहे लेता है या नहीं लेता हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे हिसाब से ये स्टैंडर्ड रेंट है।
कितना रेंट है जी स्टैंडर्ड? 8,500 रुपए, लिख लो 8,500 रुपए पर मंथ। चलो जी, रेड लाइट थी, रेड लाइट का नाम क्या था? चेंज हो गया। पहले क्या था? हायर। पहला स्टेप क्या है? इधर देखो, पहला स्टेप क्या है? हायर। दूसरा स्टेप क्या है? लोअर, और फिर हायर। जो पहला स्टेप है हायर, लिखो कि आपको हायर कैसे निकालना है, क्या कंपैरिजन करोगे कि हायर आएगा। तो बेटा म्युनिसिपल वैल्यू में और फेयर रेंट पे चेक करेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को आप चेक करोगे, दोनों में जो वैल्यू ज्यादा होगी, दोनों में जो वैल्यू ज्यादा होगी वो आपको हायर लेना है। पहला स्टेप कंप्लीट। तो एमवी और एफआर, विच एवर इज हायर। स्टेप टू, स्टेप वन को किससे कंपेयर करोगे? स्टैंडर्ड रेंट से। स्टेप वन को किससे कंपेयर करोगे? स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर। अब मुझे पहले स्टेप में बताओ, पहले स्टेप में बताओ एमवी और एफआर, एमवी कितना है? 8,000। एफआर कितना है? 12,000। विच एवर इज हायर? 12,000। 12,000 ले लिया। स्टेप टू में आ जाओ। स्टेप टू क्या कहता है? स्टेप वन को कंपेयर करो फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट से। किससे कंपेयर करो? स्टैंडर्ड रेंट से, और विच एवर इज लोअर। 12,000 और स्टैंडर्ड रेंट 8,500, विच एवर इज लोअर? 8,500, वो ले लो, कोई डाउट यहां तक। स्टेप थ्री, स्टेप टू और एनुअल रेंट। तो स्टेप टू में आंसर क्या है? 8,500 और एक्चुअल रेंट कितना है? 10,000, विच एवर इज हायर। क्योंकि रेड लाइट का नाम क्या है? हायर, लोअर, हायर। अब आपसे कोई पूछेगा रेड लाइट देखी है? उसको बोला नहीं, बोले क्या देखा है? हायर, लोअर, हायर। ठीक है जी, तो हायर लोअर हायर का मतलब समझ में आ गया। पहला स्टेप एमवी एफआर, विच एवर इज हायर। दूसरा स्टेप कंपेयर स्टेप वन विद स्टैंडर्ड रेंट, और तीसरे स्टेप में स्टेप टू कंपेयर विद एक्चुअल रेंट। विच एवर इज जो हायर होगा वो जीएवी होगा, वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी आपकी। और इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से दो ही चीज माइनस हो सकती है, एक म्युनिसिपल टैक्स जो आपने पेड कर दिया, और एक अनरियलाइज्ड रेंट जो अनपेड है, जो आपको मिला नहीं। समझ में आया या नहीं आया? तो बेटा जीएवी निकालना आ गया। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।